सो दोस्तों, पार्ट टू में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि राइड रिव्यू करूंगा, तो अभी मैं वाइट कलर को निकाला हूं, पल्सर N250 को। एंड सो दोस्तों, यहाँ सब देख सकते हो क्या पुल कर रही है द पल्सर N250। भाई सब मजा आ गया। वो दोस्तों, पार्ट टू में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि राइड रिव्यू करूंगा, तो अभी मैं वाइट कलर को निकाला हूं, पल्सर N250 को। एंड चलते हैं, देखते हैं। एंड थैंक्स टू चटर्जी बजा कि उन्होंने मेरे को दिया, तो फ्यूल भर दिया है फुल। ठीक है, तो चलते हैं, देखते क्या है एंड परफॉर्मेंस कैसा ही कैसा ये परफॉर्मेंस करती है। एंड सच में जो कंपनी ने बोला है कि इंजन रिफाइन हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, जो भी है वगैरह वगैरह जो भी है, चलिए देखते हैं। एंड जो भी होगा आप लोग को हाईवे पता लग जाएगा, मैं हाईवे पे ही टेस्ट करूंगा। तो और एक चीज़ की जो है बहुत बेहतरीन की आप लोग को देखने के लिए मिलता है दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ हर एक एंगल से आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको की देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसको करता हूँ इंसर्ट। यहाँ से मैंने इंसर्ट कर दिया एंड ये ऑन हो जाएगी। तो भाई साहब, ठीक है, तो किल स्विच को करते हैं ऑन। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। ओ भाई भाई भाई, आवाज़ सुनो यार, राइड रिव्यू का तो यही मज़ा है। ठीक है, ओ भाई, थोड़ा सा आराम से निकलते इसको लेके। ठीक है, अंदर में बहुत थोड़ा सा मचा हुआ है कि कैसा होगा, बट पावर है इसका। ठीक है, मैं खींच के मैं बता पा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो जब इसको उतारता हूँ तब आप लोग दिखाता हूँ। बट अभी इसका मैंने स्पीडो ऑन करवाया है। ठीक है, इन लोग को बोल के। तो ऑन हो चुका है भाई, पावर। अभी जस्ट मैं थोड़ा ही टान रहा हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में आपको। बाइकी ऐसी है एंड मुझे बहुत पसंद भी है। तो चलते हैं इसको आगे लेके, फिर देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो पावर देखेंगे जान के पीछे कितना जा रही है, नहीं जा रही है। ठीक है, एंड सब ऑन है इसका। ठीक है, सब तो दोस्तों, पल्सर N250 मुझे सबसे अच्छा लगा है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, और सही बताऊं तो इसका जो वेट है वो बहुत ही लाइट लग रहा है एंड वाइब्रेशन ना के बराबर यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड सच बोलूँ तो इसमें आपको जैसे कि डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मिलता है, वो बेहतरीन कर दिया है परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी के हिसाब से अगर बोलूँ तो। ठीक है, और इसका जो इसमें आपको टर्न बाय टर्न का नेविगेशन देखने को मिलता है वो भी बहुत बढ़िया है। जब तक आपका स्मार्टफोन कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप नहीं देख पाओगे, बाकी इसमें सब बढ़िया है। ठीक है, एंड इसमें आपको डेडिकेटेड चार्जिंग स्लॉट मिलता है, तो इसमें आपके लिए फ़ोन होल्डर भी लगा लेना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कितना अच्छा फूल कर रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं माफ़ी चाहता हूँ विंड डिटेक्शन के लिए, जैसा जिधर मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, बट क्या ही बोलूँ, गड़बड़ होती है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है आगे चलते हुए। सो दोस्तों पल्सर इन 250 में जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको जो फ्रंट का टायर मिलता है वो 110 था, पीछे के 140, सामने में 37 mm का USD मिलता है, बैक में नाइट्रोक्स मोनो चार्ज मिलता है। तो भाई कॉम्बिनेशन फुल्ली किलर है, ठीक है। डुअल चैनल ABS मिली, राइट ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, मतलब सभी पावर पैक है, ठीक है। और यहाँ से मैं पुल कर रहा हूँ, मुझको सच में वाइब्रेशन नहीं समझ में आ रहा है कोई भी, तो बहुत अच्छा काम किया है बजाज ने, बहुत ही अच्छा काम किया है कि पल्सर को इतना अच्छा अपग्रेड दिया है। एंड लग ही नहीं रही है कि पल्सर N250 है गाइस, बट हाँ इसमें आपको पावर डिलीवर बहुत अच्छा देखने को मिलता है। गियर का जो क्लिकिंग वो बटरी फील देती है यार, मतलब सही बताओ तो बहुत अच्छी है। यहाँ से आप लोग सीट आउट कर सकते हो स्टेबिलिटी गाइस, तो स्टेबिलिटी पर अगर आप ध्यान दोगे तो पल्सर N250 बेहतर है बाकी सब बाइक से जो कि इस सेगमेंट में आती है दोस्तों। एंड यहाँ से मैं फिर पुल करूँगा। सो दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया है पहले से, क्योंकि अपग्रेड होने के बाद बहुत अच्छी हो चुकी है। तो यार हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को इसको चला के। एंड सच बोलूँ तो थोड़ा ही पुल करने में इतनी ज़्यादा स्पीड में भाग रही ना कि क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट लेवल है। एंड मेरे कान सुन हो चुके हैं, सुन मतलब समझ में आ ही रहा होगा, तो भाई क्या बोलूँ। बट चलते हैं और आगे हैं, देखते हैं और परफॉर्मेंस कैसा और क्या क्या करती है। बट यहाँ तक में तो मुझे समझ में आ ही चुका है कि उसका परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एंड 250cc की ये बाइक आपको जो पावर डिलीवर करते हो बेहतरीन विद टॉप क्लास एंड एफर्टलेस है, विद आपको इसमें आपको लेस वाइब्रेशन मिलते हैं, वही सबसे मेन बात है कि वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से लोग दीपर जो थोड़ा सा मैं पुल कर और झट से ही है फुल पावर में ले रही है, और ओवरटेक करने में जो मुझे फील हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलते हैं आगे एंड फॉरवर्ड करते हैं इसको एंड देखते हैं क्या परफॉर्मेंस आता है इसका। तो दोस्तों हाईवे के बीचों बीच में हूँ, ठीक है, इधर से आप लोग देख सकते हो। बट जो है ये बुल है, बुल दोस्तों, मतलब इसको ख़रीद के मतलब जो फील होगा ना, मतलब प्राइस में बहुत बढ़िया आपको दे रही है। जैसे कि प्राइस मैंने अपने अगले ब्लॉग में बताया था, पिछला ब्लॉग में बताया था कि प्राइस कितना है इसका, 1,86,000 का है। तो भाई मतलब है यार, पैसा है तो क्या है, बट पैसा है तो जहान है दोस्तों। एंड क्या ही बोलूँ यार, मतलब लेवल की एंड क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत मज़ा आया इसको चला के। थोड़ा सा इसको मैं आगे करता हूँ, ठीक है, बाइक्स आ रहे हैं, बट इसका जो पावर है ना वो नेक्स्ट लेवल है। एंड लुक बहुत बढ़िया है, एक बार मैं इसको उतर के भी आप लोग को दिखाऊंगा, मेरे को बहुत मन है आप लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग को भी पता चले, ठीक है। जस्ट मैं उतर रहा हूँ इससे एंड जस्ट चेक इट आउट करो, लुक देखो लुक, ठीक है, यहाँ साइड से लुक देखो। एंड फ्रंट से भी आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, वाइट कलर का तो पर्ल वाइट कुछ ऐसी लगती है, आई चेक इट आउट कर सकते हो। तो भाई मतलब ले सकते हो यार, मतलब कुछ भी मेरे को नहीं फील हुआ ना वाइब्रेशन ना कुछ, तो भाई है कुछ इसका लेवल, ठीक है। एंड थैंक्स टू चटर्जी बदले को, उन्होंने मेरे को दिया इसको राइड रिव्यू करके दिखाने के लिए, एंड आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो जो भी है अब ब्लैक वाले को भी चला के देखते कि कैसा है, लेकिन तभी मैं इसको थोड़ा चला लेता हूँ अपने लिए कि भाई क्या है ये। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा और चला के आप लोगों को दिखा देता हूँ टान के, एंड फिर ब्लैक वाले को भी थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला, बट कलर का जो है कलर ग्रेडिंग आप लोगों को जो समझ में जिसको आता है उसको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं फिर मिनट पावर गाइस, फिर मैंने दिया, ठीक है, फिर पावर
से दिखने के लिए मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा आराम से ही चलाऊँगा, कोई रोके ही ना। रखना पड़ेगा एंड हॉर्न का आपको तो समझ में भी आ रहा होगा, तो हॉर्न भी सही काम कर रही है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। बट भाई खाली रास्ते में जो चलाने में जो फील है ना, वो सच में कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों व्हाइट वाले को मैंने चला लिया, ठीक है। क्या लग रही है उसका कलर ही देखे ना, मुझे बहुत पसंद आ गया। अगर मेरे पास पैसा है ना तो वही वाला लूँगा। अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग आ सकते हो चैटर्जी बजाज रानीगंज, डिटेल्स जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए अब रेड वाले को चला के देखते हैं, ये भी अच्छी लग रही है। बट भाई इसके सामने हर कुछ फीका है, अगर रेड आता तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा धमासान होता दोनों में, बट ये बहुत मुझे प्यारी लगी। तो चलिए अब ब्लैक को भी चला के देखते हैं, इसका परफॉर्मेंस भी चेक इट आउट कर लेते हैं कैसा है कि नहीं। तो ठीक है, फिर से बैठते हैं एंड फिर से खींचेंगे इसको भी फुल पावर में, ठीक है। एंड इस बार कहीं रुकूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग को मैं पहले ही बता दिया है, तो गियर मैंने दे दिया एंड आराम से उतरते हैं इसको लेके। इसका भी स्पीडोमीटर मैंने खुलवाया था, करेंगे हम लोग। तो जस्ट घुमाऊंगा एंड देन फिर पुल करूंगा। तो दोस्तों पल्सर एन 250 की जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है यार। इसका स्पीड यहाँ से आप लोग समझ में आ रहा है, मैंने 102 किलोमीटर टच कर दिया यार। मतलब भाई साहब जो हो रहा है ना वो ढांसू हो रहा है पूरा सही में। मतलब रोड भी खाली है एंड जगह भी बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे पुल करने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मैंने मिरर को एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे पुल भाई, मतलब जस्ट पल्सर मीन पुल, ठीक है, P2P समझे, मतलब पल्सर का नाम होने से पुल, और कोई मतलब नहीं है भाई, बुल है बुल, ठीक है। एंड सच में बताऊँ ना, तुम्हें जो परफॉर्मेंस लग रहा है मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद होता है जल्दी जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल के बटन जरूर दबाइएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो भाई साहब ओवरटेक करने में जो फील हो रहा है ना, नेक्स्ट लेवल है। पुल करने में तो क्या ही बोलूँ,
नो वर्ड्स। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है इस वीडियो में। दोस्तों मैं तब से पल्सर N250 को 1995 के आसपास से भगाया जा रहा हूँ, बट बाइक थक भी नहीं रही है, बट मैं थक जा रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें आपको वाइब्रेशन जैसे कि बोल रहा नहीं मिलेगा देखने के लिए। सच में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाइक रन कर रहा हूँ कि नहीं, लग रहा है मैं हवा में फ्लाई कर रहा हूँ। और सच में P2P मतलब पल्सर का जो पावर, जो पैशन और जो इसका जो स्टेबिलिटी है ना, वो बेहतरीन हो चुका है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, नो वर्ड्स फॉर दिस बाइक, ठीक है। बट जो सेगमेंट में ये जो है ना, ये किलर सेगमेंट में आती है। सच में इसका बेहतरीन पावर देखते हैं, मैं खुद इसका फ़ैन हो चुका हूँ। तो रियली इसका पावर मुझे बहुत पसंद है और बहुत एनर्जेटिक भी है। तो मैं तुम्हें रिकमेंडेड कर सकता कि आप इसको ले सकते हो। एंड मुझे बहुत पर्सनली फील अच्छा हुआ इसको चला के। एंड क्या बोलूँ, राइड भी इसीलिए मैंने रखा था कि आप लोग को बता पाऊँ कि सच में इसमें पावर आपको कैसा दिखने के लिए मिलता है। मुझको बहुत पसंद आया। एंड फिर से चलता शोरूम एंड ख़त्म करते इस ब्लॉग को। बट एक बार इसको फिर से बाहर में भी आप लोग को जैसे दिखाया था, एक बार फिर से रोक के आप लोग एक बार दिखा देता इसको भी, जैसे कि मैंने वाइट वाले को भी दिखाया था। तो फटाक से आप लोग को दिखाता हूँ। तो उतर गया तो ब्लैक वाले को भी देख सकते हो। तो खासा इसमें भी आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी लग रही है। बट इसका भी लुक बहुत अच्छा है, बट वाइट से मुझको ये उतनी अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं बोल सकता। बट कलर जो भी है, बट आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। बट जैसे कि मैंने दोनों ही बाइक को मैंने रिव्यू कर दिया, राइड रिव्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बट सच में पल्सर N250 में आपको वाइब्रेशन नहीं मिलने वाला है, मतलब ना के बराबर है दोस्तों। एंड मुझको सच में पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। कलर आप लोग को मिलेगा और बहुत सारा, मतलब रेड मिलेगा, लेकिन रेड था नहीं, तो आप लोगों को मैं दिखाता ज़रूर। बट ये कैसा लग रहा है आप लोग बताना। और इस ब्लॉग में अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आता, बोला सॉरी टू से, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड जो चैटर्जी बाजार का मैं डिस्क्रिप्शन में उनका एड्रेस दे दूंगा। बट सच में भाई पावर नेक्स्ट लेवल का है, एंड मुझको एक्सपेक्टेड नहीं था। बट 250 सच में बहुत बढ़िया बाइक है। एंड एग्जॉस्ट तो भाई मतलब पूछो ही मत, मतलब जो है ना आपको ना इसमें अलग से DB किलर या कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एंड मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए फिर से शोरूम लेकर ही चलते हैं। बट मैंने जैसे कि दिखाया 100 के ऊपर टर्न दिया था, बट हवा थोड़ा ज़्यादा है अभी, दैट द रीज़न मैंने ज़्यादा टर्न नहीं, गिर भी सकता था, लेकिन कोई बात नहीं आप लोग के लिए कुछ भी। तो चलिए चलते शोरूम में, एंड करते इस वीडियो को। अगर आप वीडियो पसंद आता तो जल्दी अगर लाइक से सब्सक्राइब एंड बेल का बटन जरूर दबाइएगा। सो चलते शोरूम।